जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग, और पॉ फट रही है। क्या फट रही है? पॉ। समंदर की लहरें सुबह के माहौल में संगीत खोल रही हैं। संगीत का रस खोल रही है। चूस भी भैया, भैया ये समुद्र की लहरों में से रस कैसे निकल सकता है? बल्कि समुद्र की लहरों से तो नमकीन पानी निकलता है। संगीत का रस, कोई गन्ने का रस की बात नहीं कर रहा हूं, संगीत का रस। चलिए मान लिया हमने कि गन्ने का रस नहीं है, लेकिन आप ये तो बताइए कि संगीत का रस कहां से निकल रहा है? जो लहरों की आवाजें आ रही हैं, वही तो संगीत का रस है। वैसे भैया, अक्सर मैंने समुद्र की लहरों से शोर तो सुना है, लेकिन संगीत कहां से निकलता है? वो डिपेंड करता है सर कि कौन सुन रहा है उन लहरों की आवाजें। कोई जाहिल झपट घमट्टा तो नहीं सुन रहा। अगर वो सुन रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, और अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा सेंसिबल सेंसिटिव इंटेलिजेंट आदमी सुन रहा है तो उन लहरों को वो संगीत की तरह सुनेगा। देखिए बरखुददार, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ये फिल्म जो है हम आलिम व फाजिल लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाने वालों के लिए बना रहे हैं। तो जो चाट बेचने वाले मूंगफली चना बेचने वाले हैं उनके लिए बनानी है, समझे? तो कुछ ऐसा लिखिए जो उनको सुनाई दे। What is this? This is sheer insult of my script. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या? मतलब? मतलब ये कि अभी तो सिर्फ क्रिएटिव टीम ही तेरी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाल रही है, बाद में स्पॉट दादा भी सजेशन देंगे तेरी स्क्रिप्ट में, देख लेना। अरे सो हमारी कहानी शुरू होती है, सुबह का वक्त है, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। अमरभूति जी एक ठो मिनट, वो कहना कि सुबह सुबह तो हमको बहुत बहुत ढेर सारा काम होता है, वो झाड़ू पोछा लड्डू के भैया के कच्चे धोते हैं, आप ना अब शाम का टाइम रखिए। भाभी जी आप प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, आप चाहें तो रात का वक्त भी रख सकती हैं। ठीक बात। एक्सक्यूज मी, भोर 4 बजे का वक्त मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, क्या उस समय मौसम बड़ा ठंडा ठंडा रहता है? हम यहाँ टहलने के लिए नहीं निकले। जो आप सुबह शाम और रात पे चर्चा कर रहे हैं, ये मेरी कहानी का, मेरी स्क्रिप्ट का पहला ओपनिंग सीक्वेंस है, अ सीन है, ग्रैंडियर। तो पता है कि ये ओपनिंग सीन है, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव पैनल है उनकी प्रतिक्रियाएं भी तो जरूरी है कि नहीं है? थैंक यू भैया। ये हर बात पे हर वाक्य पे अगर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो स्क्रिप्ट सुनाने में मुझे 5 साल लग जाएंगे। आई थिंक ही इज राइट। पहले हम लोग एक बार पूरी स्क्रिप्ट सुन लेते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने रिव्यूज देंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। That's right, that suits me better. Z5 app डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।